मंजिल का ये थमेंगे कदम, यह तो है आगाज। कह दो कोई आसमां से फैल जाए और आधुनिक भारत का विराट स्वरूप भी है। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, मैं श्री विजय और उज्जैन ग्वालियर के छात्र छात्राओं ने भी इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भाग बने हैं। आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वागत है। स्वागत स्वीकार है। आप सब ऐसे मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और लगातार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहें। मुझे प्रसन्नता की अनुभूति जो आपने इस बार थीम रखी आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत, अजय ग्वालियर और उज्जैन के ग्वालियर के भी हैं, ग्वालियर वालों का भी स्वागत और महाकाल बाबा की नगरी वालों का भी, उज्जैन वालों का भी स्वागत। बोलिए महाकाल महाराज की। आजादी का अमृत महोत्सव देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अभी आजाद भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस भारत को अगर बनाना है तो हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, बेटा बेटियां जो यहाँ हैं और पूरे प्रदेश भर में हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। ये भारत आप बना सकते हैं, हम सब मिलकर बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप कल के नागरिक नहीं है, आज के ही नागरिक है। और ऐसे भारत को गढ़ने के लिए बच्चों को गढ़ना पड़ेगा। सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। मेरी आप सबको अनंत शुभकामनाएं। ऊंचे आसमान में ये पूरा संसार आपके लिए पड़ा हुआ है। ऊंची उड़ान भरो, आगे बढ़ो और अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करके दिखाओ। और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय हमको खेल के लिए भी निकालना चाहिए, योग के लिए, प्राणायाम के लिए। कल हम और कैसे बेहतर करें तो तुम भी सोचते रहना, करते रहना, आगे बढ़ते रहना और अपने देश और अपने प्यारे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते रहना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो। यही मेरा आशीर्वाद है। उत्तिष्ठित जागरूक प्राप्त बारे में बोलता, उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको मत। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इंजेक्शन वाला चाप ये निकी।